हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया वीडियो यूनिट नंबर 2 को, मतलब जिसको हम स्टार्टिंग करेंगे। इसमें हम सबसे पहले हमारा सीखना जरूरी है कि हम कैलकुलेटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाउ टू सॉल्व टू इक्वेशन, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, एंड पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म, जिसकी हमें जनरली इस वाले चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, दो वेरिएबल के इक्वेशन, मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन ले ली है और इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूँगा। तो देखिए, ऑन का बटन दबाएंगे हम सबसे पहले तो, और देखिए हमारे में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम मोड का बटन 3 टाइम्स प्रेस करेंगे। इक्वेशन का ऑप्शन आ गया, हम 1 प्रेस कर देंगे। अब अननोन्स कितने हैं, तो देखिए 2 अननोन है, एक्स और वाई मतलब 2, तो 2 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, 2 का बटन हम प्रेस कर देंगे। अब a1 की वैल्यू तो हम डालेंगे 2, फिर हम डालेंगे 3, फिर -10, सिमिलरली -3, अगली वाली इक्वेशन से -3, फिर 4, और फिर इसमें देखिए +12, तो +12 आ गया। तो इसके सॉल्यूशन क्या आ गया, इसका एक्स की वैल्यू की सॉल्यूशन आया -4.47, तो -4.47, और y की वैल्यू का सोल्यूशन क्या आएगा, फिर इक्वल टू का साइन दबाइएगा तो आएगा -0.325। ठीक है, तो इस तरीके से 352। ठीक है, इस तरीके से राउंड ऑफ करना चाहें तो हम डायरेक्टली इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं -0.35। ठीक है, तो ये इसके सोल्यूशन हो गए। ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी इसकी, उसके सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम निकालेंगे सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में 3 इक्वेशन है, तो फिर वही ऑन का बटन दबाना है। तो देखिए, ऑन का बटन दबाएंगे तो देखिए a1 फिर से वही लिख के आ रहा है, तो मोड का बटन प्रेस करिए, 1 प्रेस करिए, तो कॉम्प मतलब रीसेट हो गया, सिंपल रीसेट। ठीक है, अब हम वैल्यू डालेंगे तो मोड का बटन फिर वही 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, इक्वेशन 1। अब देखिए 1 का बटन दबाएंगे क्योंकि इक्वेशन लिख के आ रहा है, तो देखिए 1 दबा दिया हमने। ठीक है, अननोन कितने हैं, तो अननोन 3 है, तो 3 प्रेस कर दिया। ठीक है, तो अब a1 की वैल्यू मांग रहा है, तो a1 की वैल्यू फिर 2, 3, -10, 20 इस तरीके से देंगे। तो लिखते हैं हम 2, 3, -10, इक्वल्स टू का साइन दबाते रहिएगा हर वैल्यू के बाद, -10, फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर 20, फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर -12, फिर 5, फिर इक्वल्स टू का, फिर 5, फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर -7, फिर इक्वल्स टू का साइन 30, फिर इक्वल्स टू का साइन 4, फिर इक्वल्स टू का साइन -8, फिर इक्वल +10, फिर 10। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3.37, एक तरीके से राउंड ऑफ। y की वैल्यू क्या आ गई, देखिए y की वैल्यू फिर इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा तो आ गया y की वैल्यू -10.04। ठीक है, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि तीसरा वेरिएबल भी है, तो वो आ गया -5.685। ठीक है, राउंड ऑफ करना चाहो तो उसको 69 कर लेना, अभी मैंने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल मैंने कैलकुलेशंस बता दी हैं। ठीक है, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए, आपको वेरीफाई करनी है तो उसी के बाद इक्वल टू का साइन और बार दबाइएगा, तो इससे a1 की वैल्यू देखिए कंफर्म हो जाएगा, आपने 2 डाली है, 3 डाली है, -10 डाली है, मतलब कंफर्म करने के लिए कि जो भी मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ क्या वो सही जा रही हैं कैलकुलेटर में, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और की प्रेस हो गई हो। ठीक है, 20 आ गया, -12, 5, -7, 30, 4, -8, 10, 10, मतलब सही डाली हैं सब चीज़ें, और वैल्यू फिर उस हिसाब से टैली करने के लिए कि जो आपने वैल्यू डाली वो सही है नहीं है। ठीक है, अब फिर वही ऑन का बटन दबाएंगे, मोड का बटन दबाएंगे, 1 दबाएंगे, तो ये रीसेट हो गया। अब हम सीखेंगे पोलर फॉर्म कन्वर्जन। तो देखिए, पोलर फॉर्म का अब हमारा सवाल आएगा नेक्स्ट। देखिए, पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है ये वाला फॉर्म, मॉड वी एंगल थीटा। मॉड वी मतलब यहाँ वोल्टेज को दिखा देते हैं। ठीक है, या वोल्टेज आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को ऑल्सो नोन एज आरएमएस वैल्यू वोल्टेज। ठीक है, एंगल थीटा, तो जैसे कि 230 एंगल थीटा दिया हुआ है, या हम कह सकते हैं 230 एंगल -30, तो ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले मोड का बटन दबाना है, कॉम्प्लेक्स 2 पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। मोड का बटन दबाने के बाद क्या करा हमने, 2 का बटन दबा दिया, कॉम्प्लेक्स पे सेट हो गया। देखिए ऊपर कॉम्प्लेक्स भी लिख के आने लगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये वाली वैल्यू डालेंगे 230 एंगल -30, तो कैसे डालेंगे, 230 दबाइएगा, फिर शिफ्ट का बटन दबा के, फिर ये देखिए माइनस का जो साइन दिख रहा है एंगल, इसके ऊपर हल्का सा छोटा सा आपको दिख रहा होगा एंगल, तो ये एंगल प्रेस करते ही शिफ्ट का दबाने का, मतलब शिफ्ट क्यों दबाया, इसलिए क्योंकि हमें जो वैल्यूज होती हैं उसके ऊपर वाली वैल्यू जो येलो वाली होती हैं उसे, वो सिर्फ शिफ्ट से आती हैं, तो शिफ्ट माइनस का बटन दबाया तो एंगल आ गया। अब -30 है तो -30 प्रेस कर दिए, तो देखिए जैसे ही मैं इक्वल टू का बटन दबाऊंगा तो ये वैल्यू आ गई 199.18। फिर मैं शिफ्ट इक्वल्स टू दबाऊंगा, शिफ्ट का बटन और फिर इक्वल्स टू का, तो ये आ गया -115.115i। ठीक है, 115i आ गया, देखिए नीचे i भी लिखा है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो ऐसी कोई भी फॉर्म जिसमें a प्लस ib की फॉर्म में आंसर है उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो हमने क्या करा है, हमने सिंपली देखिए शिफ्ट और इक्वल्स टू हमारी वही पहले वही वैल्यू आ गई, और फिर अगेन शिफ्ट इक्वल्स टू दबाएंगे तो फिर से वही अगेन -151i आ गई। तो ठीक है, इस तरीके से, और फिर हम शिफ्ट इक्वल्स टू दबाने पे वही वही वैल्यू आ रही है, तो हम इस तरीके से कैसे लिखेंगे, 199.18 प्लस, और ये आ गया माइनस, तो इसे ऐसे लिखते हैं -115i। ठीक है, आई या जी भी कह सकते हैं। ठीक है,
सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेकंड है मेन हमारा रेक्टेंगुलर टू पोलर। देखिए रेक्टेंगुलर टू पोलर कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर मतलब ये वाली फॉर्म टू ये वाली फॉर्म, ठीक है। तो जैसे अब हमारे पास आया 2 + j5, जे कैसे इनपुट करते हैं, हमेशा 5 के बाद जे दबाइएगा, 5 जे आता है हमारा ई एन जी वाले फंक्शन से। इसके ऊपर देखिए छोटा सा आई लिखा हुआ है, तो हम इसके लिए क्या दबाएंगे, ये देखिए शिफ्ट दबा के मैंने ई एन जी वाला फंक्शन दबा दिया, तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई आई के लिए, ठीक है। बस आप इतना भी याद रखो 2 + 5i, जैसे ही मैं अब इक्वल्स टू का साइन दबाऊंगा तो आएगा 2 + 5i, फिर देखिए 2 आ गया और शिफ्ट दबा के इक्वल दबाने से उसका रियल पार्ट आ जाता है, ठीक है, तो वो आ गया 5i, मतलब वही वैल्यू जो मैंने ऊपर लिखी वही इसने रिपीट कर दी, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका पहला काम क्या है कि आपको वैल्यू उसमें फीड करा देनी है। अब ऑन का बटन दबाइए, अब आंसर का बटन दबा के शिफ्ट और ये प्लस के ऊपर लिखा हुआ है आर एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा में कन्वर्ट कर देगा, आर एंगल थीटा में प्लस का बटन दबाना है शिफ्ट दबाने के बाद, शिफ्ट और प्लस, ठीक है। फिर इक्वल्स टू का साइन दबाएंगे तो देखिए अब जो वैल्यू आई है वो एंगल के टर्म्स में आई है, देखिए 5.38, शिफ्ट इक्वल का बटन दबाइए तो आ गया एंगल 68.19, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस कॉपी में लिख देंगे, तो ये आ गया हमारे पास फिर 5.38 और एंगल कितना आ गया हमारे पास 68.19, ठीक है। इस तरीके से आप अब हमने क्या कर लिया, अब हमने देखिए पोलर से रेक्टेंगुलर कन्वर्ट करना सीख लिया और ये वाले रेक्टेंगुलर से पोलर कन्वर्ट करना सीख लिया, जो पोलर ये रहा और रेक्टेंगुलर ये रहा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा बिल्कुल वही है जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ते थे, एक ट्रायंगल है ये थीटा है, ठीक है, और हमारे पास जो अलग अलग वैल्यूज ये थीटा है और ये हमारा आई वाला कॉम्पोनेंट होता था, ठीक है, वो जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था ये बिल्कुल वही है, ठीक है। अब हम जनरली इस चैप्टर में क्या यूज़ करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए पोलर फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो हम आपको वीडियोस में जो आगे आएंगे वीडियो उनमें हम सिखा देंगे, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर आपने सीख लिया, बाकी इक्वेशंस को सॉल्व कर आपने करना सीख लिया। बस ये वीडियो बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कोई पार्ट नहीं समझ में आया होगा तो आप पीछे बैक कर लीजिएगा, वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।